हो गया, प्लेट ऊपर में से घसका के यहाँ पे रख दिया। अब ये जो कि यहाँ पर, हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे हेडल वर्क के बारे में, ठीक है। हेडल वर्क स्पीड मास्टर करके एक मशीन है, उसको है जो कि आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके का मशीन है, कैसा चलता है और क्या क्वालिटी का है, कैसा मतलब उसका स्पीड वगैरह है। तो यही सब है जो कि हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सिस्टम पे। ऑफसेट मशीन है जो कि हेडल का मशीन है और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये मशीन लग रहा है और इसका काफ़ी बड़ा मशीन है, यानी कि ये मशीन जो है आपका 2840 का मशीन है, हो गया। अब इस मशीन को आप इस तरीका से देख सकते हैं, ये अभी मतलब जो उतरा है तो वो ऊपर से मतलब चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाया हुआ है, ठीक है ना। इधर है जो कि इसका सारा सेटिंग वगैरह करने वाला है, यहाँ से जो कि पेपर ये अंदर खींच रहा है। ये है जो कि 2840 मशीन है, यहाँ से जो कि पेपर अंदर जाता है और ये देख सकते हैं तीन सीढ़ी यानी कि बना हुआ है, इतना ऊंचा ये मशीन है कि ये तीन सीढ़ी के बाद है जो कि आप ऊपर लगा चार करके जो कि प्लेट सेट कर सकते हैं। और ये है जो कि इसका लास्ट मतलब फाइनल जो मोड निकल करके यहाँ पे आता है, ओके। और यहाँ पे आकर के ये यहाँ पे रखाता है और यहाँ से जो कि आप निकाल करके जो ऑपरेटर वगैरह वो चेक करते हैं ये क्या है नहीं है, क्वालिटी अभी बढ़िया आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहीं भी पिन भाग वो नहीं ना रहा, तो ये सब चीज़ें जो कि यहाँ पर चेक किया जाता है। देखिए कितना बड़ा मशीन है और यहाँ पे जो कि दो मशीन है, एक ये साइड में भी देख सकते हैं कि मशीन है, ये भी है जो कि हेडले मशीन है और यहाँ से जो कि इसका सारा कंट्रोल किया जाता है, क्वालिटी कंट्रोल वगैरह सब यहीं से इसका किया जाता है। जितना बड़ा ये लग रहा है कि प्लांटा जिसे बोला जाता है ना, उसी साइज का ये मशीन है। यहाँ पे जो कि इसका कलर है जो कि बाय डिफॉल्ट से चेक किया जा रहा है, ये कंप्यूटराइज है, ठीक है। अब कंप्यूटराइज में वो कंप्यूटराइज नहीं है जिसमें जो कि आपका जॉब जो है ना प्लेट वो बाय डिफॉल्ट बनता, वो वाला नहीं। ये कंप्यूटराइज ये है कि इसका कलर जो है मिलाने वाला वो सब यहीं से मिलाता है, ठीक है ना। ये है इसमें, ये अभी प्लेट वाला ये सब मशीन नहीं है जो कि डायरेक्ट प्लेट मतलब कि जो एक्सपोज करता है, बगैर प्लेट का जो कि प्रिंटिंग करता है वो वाला नहीं है। यहाँ से जो कि इसका कलर है जो कि मिला रहा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका कलर है जो कि सारा कितना परसेंट है, कहाँ परसेंट है, वो सब है जो कि यहाँ से दिखाई दे रहा है। ज़्यादा स्पीड अभी चल नहीं रहा है, ये नॉर्मल ही है। ये जो कि हेड ये थी कहीं 2840 का मशीन है, मगर ये जो कि काट करके है जो कि यहाँ से चला रहा है। ये हमको लगता है तीन भाग ये किए हुए होगा पेपर का, 36 का ये तीन भाग करके चला रहा है। हाँ, तो तीन भाग किया हुआ है ये, क्योंकि जॉब के हिसाब से आप प्रिंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 2840 से तो 2840 चलेगा। ये डोमिनेंट का जो मशीन होता है, डोमिनेंट के मशीन पर भी आप तीन भाग करके चला सकते हैं, 12x22 प्रिंट हो जाता है, उसी तरीका से ये भी किया हुआ। देखिए ये इसका ड्रम यहाँ पर होता है और यहाँ पर जो कि ये प्लेट चेक करेगा या प्लेट यहाँ पर जो कि सेट करेगा, ओके। तो यहाँ से जो कि प्लेट सेट करने के लिए ये ऊपर आता है, यहाँ से जो कि ये सब खोल करके सेट करता है। अब यहाँ पे शो करने यहाँ पे दिखाएगा देगा, देखिए पीछे से मतलब कुछ इस तरीका से लगता है। ये है जो कि प्लेट निकाल दिया, अब ये प्लेट है जो कि उधर से ये लगा रहा है, देखिए लग गया फट से वहाँ, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ सेट हो जाएगा। ये है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, यानी कि चार कलर है तो चारों कलर में जो कि प्लेट यहाँ पे चेंज करता है, मतलब यहाँ क्या है हर जगह पर प्लेट है जो कि चारों चेंज होगा जब भी चेंज होगा। तो ये जो कि पहले प्लेट निकालेगा, प्लेट निकल गया, यानी कि सारा ऑटोमेटिक है, आपको कुछ कसने का रिंच चाहिए थी लगाने का दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हो गया, प्लेट ऊपर में से घसका के यहाँ पे रख दिया। अब ये जो कि यहाँ पर बस एक रूरल नचा नहीं कि छोड़ दिया, अब ये जो कि बाय डिफॉल्ट जाकर के वहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और सिर्फ जो कि पिन मिलाने का टेंशन रहेगा। ये बस सेट हो गया, अब यहाँ से जो कि रेडी हो गया, पहला पेज आ गया। तो
काफी जब ये सब अपडेट हो रहा है तो ये सब मशीन में काफी होती है, मतलब बहुत सारा में हम तो देखते हैं कि रिंच से कसते रहता है, मिलाते रहता है आगे पीछे कर करके, तो ये सब है जो कि यहाँ से बाय डिफॉल्ट है जो कि सब मिल जाता है ऑटोमेटिक, सारा कंप्यूटराइज है अभी, इसे कंप्यूटराइज बोल सकते हैं अभी, ये बस प्लेट वाला कंप्यूटराइज नहीं है कि कंप्यूटर से जब डायरेक्ट प्रिंट मारे अब प्लेट निकल गया, वो वाला नहीं है, यहाँ पे प्लेट लगाने ही वाला है। ठीक है, तो ये ऊपर से यानी कि ऊपर से चढ़ करके ऊपर से कुछ इस तरीका से लग रहा, इधर येलो मैजेंटा हो गया, इधर है जो कि तीन तीन जो सेक्शन है चार कलर के बाद वो सब है जो कि इसका केमिकल जो यूज किया जाता है ना अल्कोहल वगैरह वो सब है, बाकी इसमें श्याम मैजेंटा येलो ब्लैक ये सब यहाँ पे डाला हुआ है। अब यहाँ से जो कि पेपर ये खींच रहा है, मतलब एक बार में अगर 8 कलर 7 कलर का जॉब है तो एक बार में फिर फाइनल प्रिंट होकर के ये निकलेगा, दोबारा सुखाने का कुछ करने का जरूरत नहीं है, कम समय में ज़्यादा काम ही इससे निकलता होगा। यहाँ पे इसका ये मॉडल नंबर है, इतना दूर लग रहा है देखने में, देखिए सारा पेपर है, देखिए एक व्यक्ति जो इतना ऊंचा है कि उसमें लग रहा है कि उसमें अंदर बैठ जाएगा, पूरा पेपर एक बार में लगा दिया, अब ये चलते रहेगा रेगुलर। अब यहाँ से जो कि फिर वही प्रोसेस हो गया कि यहाँ से जो कि आप पेपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, उधर से प्रिंटिंग होगा कि निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये मशीन अच्छा लगा होगा देखने में, ठीक है, इंडिया का तो नहीं है बाहर का ही है, ठीक है ना, आपको ये मशीन कैसा लगा तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अभी, आई होप आपको भी अच्छा होगा, बिल्ला कीजिएगा, गुजार रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं अभी इसी तरीके का वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट कर सकते हैं और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।